बिल्कुल दबाए बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग वहाँ मिलते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रंजीत हनुमान मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहा? रंजीत हनुमान मंदिर पर जुर्माना किया गया था, प्रभात फेरी निकली थी, उसके ऊपर 30,000 नोटिस जो है मंदिर प्रबंधन ने दिया। हाँ, वो जो कचरा और वो नहीं उठाया होगा, नहीं गमले हटाने का। देखिए भैया, इंदौर 5 बार का नंबर 1 है, चाहे आध्यात्मिक संस्थान हो, धार्मिक संस्थान हो या व्यक्तिगत बात हो, हम सबको आदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा तो ही हम छक्का लगा पाएंगे। इंदौर की जो नाइट कल्चर है कि दस्तक है भैया, पर एक जो रात्रि का कर्फ्यू तो चालू हो गया, आप और हम सब उसका पालन कर ही रहे और जितने निर्देश थे कोरोना के उन सबको हम अक्षरशः पालन करते रहे। मास्क या गमछे से मुंह ढाक के रखे या फिर 2 गज दूरी से ही मिले। योग और व्यायाम को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लें और सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करके 12-12 घंटे हम अपने घरों को सैनिटाइज रख सकते हैं। जीवन पद्धति का ये परिवर्तन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और हमें स्वस्थ रखेगा। पर्यटन स्थलों को लेकर क्या है?